फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी हम लोगों ने 17 तारीख को शुरू की थी। उस दिन रोहित वेमुला का चौथा सादा दिवस था, तो उन्हीं को समर्पित करते हुए हम लोगों ने इसको शुरू किया। बेसिकली बात यह है कि लाइब्रेरी एक प्रोटेस्ट का रूप भी है। जब पूरे देश में या पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि फ़ी लगातार एजुकेशन की बढ़ रही है, एजुकेशन को प्राइवेटाइज़ करने का एक तरीका गवर्नमेंट ढूंढ रही है, तो यहाँ पे लाइब्रेरी का होना दिखाता है कि जैसे ओपन लाइब्रेरी है, यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई फीस नहीं है, तो यही दिखाता है कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, माइनॉरिटी है या फिर आदिवासी है, महिला है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, एजुकेशन का हक सबको है। दूसरा बात यह है कि जो किताबें हैं, किताबें आपको एक सलीका सिखाती है सवाल पूछने का, तो जो प्रोटेस्टर्स हैं हम चाहते हैं कि वो किताबों की तरफ अट्रैक्ट हो और अपने सवालों को मजबूत करें। तीसरा ये है, ये आंदोलन अभी ये नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए चलेगा, ये बहुत लंबा आंदोलन चलेगा, तो अपने आंदोलन को वैचारिक तौर पे मजबूत करने के लिए, अपनी इस आंदोलन की धार को मजबूत करने के लिए हम लोगों को किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। हमें अपनी तारीख के बारे में जानना पड़ेगा, हमें अम्बेडकर पढ़ना पड़ेगा, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, मौलाना आज़ाद, इन सबको पढ़ना पड़ेगा ताकि हम अपने जो आंदोलन है उसकी विचारधारा को मजबूत कर सके और जो विचारधारा हमारे संविधान को तोड़ना चाहती है, संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश करके हमारी सोसाइटी में एक डिवाइड पैदा करना चाहती है, उससे हम लड़ सकें, उसको हम रोक सकें। यही है, बाकी फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी का नाम हम लोगों ने इन दो महिलाओं के नाम पर इसलिए रखा क्योंकि जब महिलाओं की एजुकेशन की बात होती है, महिलाओं के उत्थान की बात होती है, तो इन दोनों का नाम सबसे आगे आता है। उस जमाने में जब महिलाओं को स्पेस नहीं दिया जाता था, घर से नहीं निकलने दिया जाता था, तब इन लोगों ने महिलाओं की एजुकेशन की बात की, उनके स्कूल को एस्टेब्लिश किया और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से आने वाली महिलाओं के लिए इन्होंने बात की, तो ऐसे टाइम पे ज़रूरी हो जाता है इनके योगदान को याद करना।